अपनी सोशल मीडिया में, तो आज का जो वीडियो फेसबुक लाइट का पासवर्ड कैसे आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड पता है फिर भी चेंज करना है तब कैसे चेंज करेंगे, और अगर आपको नहीं पता है तब भी आपको पासवर्ड चेंज करना है आप तब भी चेंज कर सकते हैं, और आपका फेसबुक अगर अकाउंट नहीं लॉगिन है और पासवर्ड नहीं जानते हैं तब कैसे लॉगिन करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप ये वीडियो पर बने रहिए। तो सबसे पहले आपको फेसबुक लाइट को ओपन कर लेना है। आप जैसे यहाँ पर फेसबुक लाइट को ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सिंपली सेटिंग्स में चले जाना है, ठीक है। आप जैसे यहाँ पर सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आप लोडिंग ले रहा है, सेटिंग खुल गई आपकी, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, ठीक है। तो सिंपली आपको इसमें क्लिक कर देना है। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा चेंज पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर दिखा रहा है करेंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड और टाइप न्यू पासवर्ड। तो आपको अगर करंट पासवर्ड पता है तब आप चेंज कर सकते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड, अगर आपका फेसबुक लॉगिन है तब भी आपको पासवर्ड नहीं पता है, फेसबुक लॉगिन है आपको चेंज करना है, आपको नया पासवर्ड बनाना है, तब क्या करेंगे? तो सिंपली आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा छोटा सा फॉरगेट पासवर्ड का, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चेंज पासवर्ड में जाएंगे, फॉरगेट पासवर्ड में जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। सेंड कोड वी व्हाट्सएप, सेंड को टू फेसबुक नोटिफिकेशन, सेंड को टू SMS, या इंटर पासवर्ड टू लॉगिन। अगर आपको पासवर्ड पता है तो लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फेसबुक, माना कि आपके फ़ोन नंबर में रिचार्ज नहीं है, आपका फ़ोन नंबर बंद है मगर उससे आपका व्हाट्सअप बना है, वहाँ यही इसमें यही प्लस पॉइंट है। अगर आपका उस नंबर से व्हाट्सअप बना है तो कैसे करेंगे? तो सिंपली आपको सेंड कोड ए व्हाट्सअप पर क्लिक करके यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इसने क्या किया है कि जो कोड है वो आपके इस नंबर में व्हाट्सएप पर भेज दिया है, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पर जो आएगा कोड, आपको सिंपली यहाँ पर 6 डिजिट कोड डाल के कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हम देखते हैं कि मेरे व्हाट्सएप में क्या पासवर्ड आया है, जो कोड आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, तो मैं चलता हूँ यहाँ पर चेक करता हूँ कि पासवर्ड आ गया कि नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर OTP आ चुकी है। जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 7:07 में मेरी OTP आ गई है। आपको सिंपली यहाँ पर इसे कॉपी करना है। अब जैसे यहाँ पर कॉपी करेंगे, इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आप डिजिट कोड डालेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है इंटर न्यू पासवर्ड। तो सिंपली आपको यहाँ पर इंटर न्यू पासवर्ड, जो भी आपको पासवर्ड बनाना हो यहाँ पर आपको पासवर्ड बना लेना है। इसके बाद लॉगिन मी आउट, जितने भी फेसबुक अकाउंट जहाँ जहाँ से लॉगिन होगा वहाँ से हट जाएगा। आपको यहाँ पर टिक करना है, इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज होगा हो जाएगा। इसी तरह से आप सेकेंड स्टेप से अपने फेसबुक अकाउंट को चेंज कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेप क्या है कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट नहीं लॉगिन है और आप पासवर्ड भूल चुके हैं तब कैसे लॉगिन करेंगे, तो हम चलते हैं उसको भी देख लेते हैं कि कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं। तो आप, मैंने लॉगिन लॉग आउट कर दिया है। सिंपली आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, लॉगिन लॉग इन टू अकाउंट या फाइंड योर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लॉग इन इन टू अदर अकाउंट करेंगे। तो अगर आपको फ़ोन नंबर यहाँ पर डालना है, पासवर्ड नहीं पता है, तब कैसे आप लॉगिन कर सकते हैं? अगर आप उसमें दिखा देता है कि आपका अकाउंट इस नंबर पर नहीं है, दिखाता है नंबर लगा है तब भी दिखाता है कि नॉट फाउंड, तो इस ऑप्शन में आपको करना है फाइंड योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इस पर आपको नंबर डाल के सर्च करना है, आपका अकाउंट शो होने लगेगा, सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपको नंबर डालना है जो भी हो, तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ जिस नंबर से मेरा अकाउंट बना होगा। इसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर दूंगा। आप जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे तो उस नंबर पर जितने भी अकाउंट क्रिएट किए होंगे आपने, उस सारे अकाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो जो भी अकाउंट का आपको पासवर्ड चेंज करना है तो उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो इस थोड़ी देर लोडिंग लेगा। लोडिंग लेने के बाद आपको अकाउंट कन्फर्म हो गया, वो अपने आप OTP डाल के कन्फर्म कर लेता है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप जैसे यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इंटर ए न्यू पासवर्ड डालना है, इसके बाद चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। आप जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको 3 स्टेप बताए कि कैसे कैसे आप अपने फेसबुक लाइट का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, 3 प्रकार से, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेशन लाता रहूँगा। मैं आके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि व्हाट्सएप में भी बहुत सारी फीचर्स आए, उनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे।